नमस्कार, न्यूज़ 5 AM जमशेदपुर में आपका स्वागत है। आइए नज़र डालते हैं जमशेदपुर की खबर पर। जमशेदपुर के मानको आजाद नगर रोड नंबर 17 कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस नेत्री जेबा खान के नेतृत्व में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय इंटर महिला अध्यक्ष देविका सिंह को जेबा खान द्वारा गर्मजोशी से शॉल उड़ाकर और फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत किया गया। साथ ही इस कार्यक्रम में कई कांग्रेसी नेता रहे उपस्थित। बहन देविका दीदी इंटर की राष्ट्रीय महिला की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी है, ये बहुत खुशी की बात है। जब एक महिला बढ़ती है तो मैं समझ सकती हूँ कि महिला कितने संघर्ष के बाद, महिलाओं पर डबल जिम्मेदारी होती है, एक घर परिवार को भी देखना और बाहर भी देखना, तो बहुत जिम्मेदारियों को उठाते हुए महिला आगे बढ़ती है। तो हमारा कर्तव्य बन जाता है कि जब हमारी बड़ी बहनें आगे जा रही हैं तो उनको सम्मान दिया जाए, और ताकि दूसरों को भी देखकर समाज में आगे बढ़ने की शिक्षा मिले इनसे और आगे सीखकर आगे बढ़ सके। और मैं ये बोलना चाहूँगी कि समाज में सभी महिलाओं को, ऐसी महिलाएं जो हैं सभी के लिए एक एग्जाम्पल है, तो देखकर हमें भी आगे बढ़ना है और चलना है, समाज की लड़ाई लड़नी है। और मैं यहाँ से आज ये स्वागत समारोह से एक और बात का आह्वान करती हूँ कि झारखंड में, पहले तो मैं जमशेदपुर की बात करती हूँ, कि जो भी महिलाओं के साथ अन्याय होगा, पीड़न होगा, बलात्कार होगा, कोई भी महिला जो दुखी हो, पीड़ित हो, उसका केस मैं झारखंड महिला ब्रिगेड बना रही हूँ, उसके तहत लड़ूंगी, हम लड़ेंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी लड़ाई लड़ी जाएगी। और सभी महिलाओं को आगे आना चाहिए, और महिला विकास तभी हो सकता है, देश तरक्की तभी कर सकता है कि पुरुष के साथ महिलाएं जो हैं कदम से कदम मिलाकर चलें और हर क्षेत्र में आगे बढ़ें। देविका दीदी जैसी महिलाएं जो हैं एक एग्जाम्पल है झारखंड के लिए, और झारखंड का सर जो है फख्र से गर्व है झारखंड के लिए, और फख्र होता है कि देविका दीदी जैसी महिलाएं झारखंड से बिलोंग्स करती हैं, जो पूरे देश से छोड़कर झारखंड की महिला को महिला प्रेसिडेंट बनाया गया, बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद। आज जो ये जेबा खान के तरफ से अपने, हमको लग रहा है कि कांग्रेस के तो तरफ से हुआ, लेकिन ये भारत जोड़ो यात्रा से जो जुड़ी हैं और अपना एक ब्रिगेड फॉर्म कर रही हैं, मुझे लगता है ये अपने ये ऑर्गेनाइज की हैं, तो ये मुझे जो राष्ट्रीय महिला इंटर का अध्यक्ष बनाया गया है ऑल इंडिया का, सर उसी की खुशी में, मेरे खुशी में शामिल होने के लिए ये कार्यक्रम रखी है। यहाँ पर हमारे सम्मान समारोह में उपस्थित आपके नगर अध्यक्ष धर्मेंद्र सोनकर जी, नूरजहाँ उर्फ रीना सिंह जी हैं, हमारे प्रदेश की महासचिव उषा सिंह, प्लस हमारे यहाँ पर छोटे भाई अफसर फिरोज खान जी, और आपके रईस रिजवी जी हैं, अभिजीत हमारे पूर्व प्रखंड के, बहुत सारी हमारे महिला बहनें हैं, और भारी संख्या में जो यूथ, जो मेरा भविष्य है, वो सब इसी सम्मान समारोह में मेरी खुशी में शामिल हुए। किस तरह का लेके चलेंगे महिलाओं को आप? किस तरह से लेके चलूँगी मैं, इतना बड़ा जिम्मेवारी मिला है, मैं धन्यवाद दूंगी, इतना बड़ा आशीर्वाद जो हमारे संजीवा रेड्डी जी दिए हैं, साथ ही साथ हमारे ऑल इंडिया के महासचिव संजय सिंह के तरफ से मिला है। अब जो जिम्मेवारी दिया गया है, जो हमारा इंटक महिला थोड़ा बहुत निष्क्रिय हो गया था, मैं महिलाओं को संगठित करूंगी, जो असंगठित महिलाओं खासकर जो बिखरी हुई हैं और जिनको थोड़ा ही जागरूकता नहीं है कि ये महिलाओं का काम करने के प्रति क्या उनका हक है, जो बोला जाता है कि ना उनको राइट पता है ना उनको फाइट करने का तरीका पता है, तो मैं उनको संगठित करके पहले उनको अपना अधिकार के प्रति जागरूक करूँगी, और धीरे धीरे, क्योंकि मुझे पता है ये कहना आसान है कि मैं कर लूँगी, नहीं कर सकती हूँ, जितने हमारे साथ बैठे हैं, चाहे वो भाई हो या हमारी बहने हैं या आप जैसे प्रेस बंधु हैं, सबका यदि मुझे सहयोग मिलेगा, मुझे लगता है कि जो जिम्मेवारी मिला है इंटक, यानी कि हमारे मजदूर भाई और बहने लोग का जो काम है उनका हक, खास के अभी मैं शुरू करूँगी इंडस्ट्रियल बेल्ट जो है, और झारखंड में वैसी महिलाओं को जिम्मेवारी दे दूँगी, क्योंकि मैं प्रदेश अध्यक्ष रहूँगी नहीं, और धीरे धीरे करके सभी जगह संगठन बनाऊंगी, लेकिन फिलहाल अपना घर को मजबूत करूंगी।